पिछली स्लाइड्स में हमने देखा प्रबंध के मुख्य कार्यों के बारे में। कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रबंध के सहायक कार्यों के रूप में भी जाने जाते हैं। कार्य को विस्तार से समझने के लिए यहाँ पर जिन सहायक कार्यों को सम्मिलित किया गया है उसमें हम सर्वप्रथम कार्य को देखते हैं नव प्रवर्तन के रूप में। नव प्रवर्तन से यहाँ पर आशय है कि एक कार्यरत उपक्रम को बढ़ाना, उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना नव प्रवर्तन कहलाता है। तो सामान्य तौर पर व्यावसायिक दशाएं लंबे समय तक कभी एक समान नहीं रहती। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार हमें उनमें परिवर्तन करना होती है, नवीनता लाना होती है। ये परिवर्तन और नवीनता जो है बदलती हुई व्यावसायिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः इसके लिए हमें नई तकनीक पद्धतियों को भी प्रयोग में लाना होता है, तभी हम एक उपक्रम को सामान्य स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उसको हम ढाल सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रबंधकीय कार्य जो है सदैव रचनात्मक होता है और जो कि नव प्रवर्तन पर ही निर्भर रहता है। दूसरा सहायक कार्य है प्रतिनिधित्व। एक प्रबंधक को अपने उपक्रम के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी छवि को प्रस्तुत करने के लिए उसका मूल्यांकन करने का भी अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर एक प्रबंधक को चाहिए कि समय समय पर अपने उपक्रम के विभिन्न विभागों के बीच में बैठक करें और उनके बीच आपस में तालमेल बनाकर रखें, उनका प्रतिनिधित्व करें। अगले बिंदु सहायक कार्य के रूप में तीसरा बिंदु निर्णयन का है। निर्णयन से तात्पर्य है कि विभिन्न उपस्थित विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना ही निर्णयन कहलाता है। प्रबंधकीय स्तर पर प्रबंधक को हमेशा समय समय पर विभिन्न व्यवसाय से संबंधित निर्णयों को लेना होता है। तो ये एक निर्णयन प्रक्रिया भी जो है ये बहुत आवश्यक तत्व है प्रबंधक के लिए कि कब और किस समय उसको किस प्रकार के निर्णय का चुनाव करना है। अगला बिंदु है सौदेबाजी। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधक को सौदेबाजी का कार्य करना पड़ता है, जैसे कि सेवी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत मजदूरों का वेतन निर्धारित करना, समय समय पर उन्हें बोनस कितना देना है और भी उन्हें अन्य किस प्रकार की सुविधाएं देना है, साथ ही विभिन्न विभागों के बीच में सौदेबाजी उसको करना होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रबंधक जो कि जितना बेहतर सौदेबाजी में कुशल होता है वह उतना ही बेहतर कुशल प्रबंधक के रूप में स्थापित होता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अगला बिंदु शोध कार्य। शोध कार्य से यहाँ पर तात्पर्य है कि उपक्रम में जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में के बीच में लगातार खोज करते रहना, अनुसंधान करना, शोध कार्य करना, अर्थात उस कार्य को और बेहतर ढंग से किस प्रकार से किया जा सके, नई तकनीकी नई पद्धतियों से उसे हम और बेहतर कैसे बनवा सकें, उसको कर सकें, इसके लिए व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र क्रय विक्रय उत्पादन विविधियाँ प्रबंधन आदि में हमें निरंतर अनुसंधान करता रहना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि लगातार अनुसंधान से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम यहाँ पर निर्णय लें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रबंध के जो सहायक कार्य हैं उनमें पहला नव प्रवर्तन और दूसरा जो है आपका प्रतिनिधित्व करना, निर्णयन करना, सौदेबाजी और शोध कार्य करना। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आपको प्रबंध के मुख्य कार्यों का वर्णन करना है विस्तार के साथ। दूसरा प्रश्न जो है प्रबंध के जो विभिन्न सहायक कार्य हैं उनको भी समझाना है। प्रबंध का जो एक प्रमुख कार्य है समन्वय कोऑर्डिनेशन, इसका अध्ययन हम प्रबंध के प्रमुख कार्य के रूप में कर चुके हैं, परंतु समन्वय प्रबंध का एक प्रमुख कार्य ना होकर प्रबंध का सार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि समन्वय ही वही तत्व है जो प्रबंध के सभी कार्यों के बीच में आपसी तालमेल कोऑर्डिनेशन को बनाकर रखता है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, चाहे वो नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्ति करना हो, नियंत्रण करना हो या उन्हें अभिप्रेरित करना है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं
कि समन्वय सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासों को व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार जोड़ता है कि कार्य में एकरूपता आ जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से समन्वय सभी विभागों के बीच में कार्य गतिरोध यदि बन रहा है तो उसको दूर करता है। कर्मचारियों के बीच में यदि आपस में किसी प्रकार का विरोध है तो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उनके विरोध को दूर किया जाता है। कर्मचारियों के बीच आपस में आपसी मनमुटाव है कार्य को लेकर, तो उनके बीच में आपसी तालमेल को निर्धारित करता है। और समन्वय जो है, जितने बेहतर ढंग से सभी के बीच में तालमेल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, उपक्रम के लक्ष्यों को हम उतनी ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। समन्वय के माध्यम से ही हम एक उपक्रम में उत्पादन, विक्रय एवं वित्त विभाग में अंतराश्रितता जो होती है उसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे विभाग आपस में एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यदि इनके बीच में आपसी तालमेल नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उत्पादन प्रभावित होगा। देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं समन्वय की प्रकृति एवं उसके लक्षण या उसकी विशेषताएं क्या है। समन्वय जो है एक सतत प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह अनवरत रूप से लगातार कार्य करता है। इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी कार्य के स्तर पर आवश्यक होती है। एक उपक्रम जब तक संचालित होती रहती है, जब तक उत्पादन होता रहता है, तब तक समन्वय की आवश्यकता हमें एक सतत प्रक्रिया के रूप में लग पड़ती है। व्यवसाय में अनेक क्रियाओं का संचालन होता है, अतः सभी क्रियाओं के आपसी सामंजस्य तालमेल बनाए रखने का कार्य समन्वय के माध्यम से ही संभव है। अतः ये एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, समन्वय जो जुड़ा हुआ है वो सामूहिक प्रयास से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध सामूहिक प्रयास से है। ये एक विभाग के बीच में अंतर आश्रितता को आपसी तालमेल के माध्यम से पूरा करता है। यदि एक ही व्यक्ति कार्य करने वाला है तो समन्वय की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु जहाँ सामूहिक प्रयास होता है वहाँ हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, समन्वय की आवश्यकता होती है। तीसरे कार्य लक्षण के रूप में यहाँ हम जानते हैं सर्वव्यापकता। समन्वय जो है सभी स्थानों पर पाया जाता है, चाहे वो व्यावसायिक इकाइयाँ हों, गैर व्यावसायिक इकाइयाँ हों, सभी स्थान पर यह सामान्य रूप से लागू होता है। एक व्यवसायिक इकाई के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में मिलान स्थापित करना, तालमेल बनाकर रखना ही समन्वय है, इसलिए ये सर्वव्यापक है, सभी स्थान पर पाया जाता है। अगला बिंदु है समान उद्देश्य। समन्वय की जो प्रकृति है या इसका जो सामान्य उद्देश्य है या प्रयास में क्या है, एकता उत्पन्न करना होती है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होने पर ही विभागों के आदेश की आपूर्ति आपस में एक दूसरे के माध्यम से हो सकती है। तो इसका सामान्य उद्देश्य जो है वो सभी विभागों के बीच में आपसी एकता को पैदा करना है। अगला बिंदु प्रबंध का एक सार है। समन्वय प्रबंध का कोई प्रमुख कार्य ना होकर अन्य सभी कार्यों का एक प्रमुख हिस्सा है, चाहे नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन या नियंत्रण हो, सभी कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। और अंतिम इसकी विशेषता है, समन्वय जो है एक स्वैच्छिक कार्य के रूप में है, इसे किसी दबाव द्वारा सृजित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कर्मचारियों को इस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट करें कि वे बगैर किसी दबाव के स्वेच्छा के साथ कार्य को पूरा कर सकें। अतः वास्तव में समन्वय जो है सहयोग का एक रूप है, क्योंकि सामूहिक प्रयास, सामूहिक सहयोग से ही हम एक उपक्रम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बिंदु थे, ये समन्वय की प्रकृति थी, उसकी विशेषताएं और उसके लक्षण। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों का तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है, समन्वय से क्या आशय है, समझाइए, समन्वय की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न जो है, समन्वय की प्रकृति अथवा लक्षण क्या हैं, ये बताइए। प्रश्न तीसरा है, समन्वय प्रबंध की मूल आवश्यकता है, अर्थात प्रबंध के सभी स्तरों पर समन्वय जो है
उसकी आवश्यकता कितनी है इस कथन को आपको समझाना है। समन्वय की विशेषताओं के अगले बिंदु में समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के अंतर्गत समन्वय का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से कि उपक्रम के प्रयासों में एकता उत्पन्न करना। उदाहरण के लिए यदि क्रय विभाग और विक्रय विभाग के बीच में आपसी तालमेल ना हो, समन्वय ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्रय विभाग के आदेशों की आपूर्ति होना संभव नहीं हो पाती। अतः ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय का होना आवश्यक है। अगले बिंदु में समन्वय जो है प्रबंध के एक सार के रूप में है। समन्वय प्रबंध का एक प्रमुख कार्य ना होकर ये सभी कार्यों के साथ प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ हो। प्रबंध के कार्य में यदि हम देखें तो चाहे नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन हो, नियंत्रण हो, सभी कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता होती ही होती है। अगले बिंदु में स्वैच्छिक कार्य के रूप में इसको हम जानते हैं। समन्वय जो है एक स्वैच्छिक कार्य के रूप में है, इसे किसी दबाव द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। अर्थात कर्मचारियों के मन में एक सहयोग की भावना को जागृत करना समन्वय कहलाता है। वास्तव में समन्वय जो है सहयोग का ही एक रूप है, क्योंकि सामूहिक प्रयास जो है आपसी सहयोग से ही पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रबंध की जो विशेषताएं हैं, प्रबंध स्वयं विशेषता के अंतर्गत हम ये देखते हैं स्वैच्छिक कार्य। समन्वय जो है एक स्वैच्छिक कार्य के रूप में है, इसे किसी दबाव द्वारा हम सृजित नहीं कर सकते। अर्थात कर्मचारियों के मन में एक सहयोग की भावना को पैदा करना उसके कार्य के दौरान। अतः समन्वय जो है सहयोग का ही एक रूप है, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही समन्वय के माध्यम से हम किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमने जाना यहाँ पर कि समन्वय की विशेषताएं क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। इस अध्याय के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक एक है, समन्वय से क्या आशय है, इसकी आपकी परिभाषा लिखना है, इसको समझाना है। प्रश्न क्रमांक दो है, समन्वय की प्रकृति अथवा लक्षणों को आपको समझाना है। और प्रश्न क्रमांक तीन जो है, समन्वय प्रबंध की मूल आवश्यकता है, इस कथन को आपको समझाना है। व्यवसायिक उपक्रम के अंतर्गत समन्वय किस प्रकार से कार्य करता है, समन्वय का महत्व एक व्यवसायिक उपक्रम में कितना अधिक है, निम्न बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं। समन्वय जैसा कि हम जानते हैं आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर एक उपक्रम में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, विभिन्न विभागों के बीच में एक आपस में तालमेल होता है। तो यहाँ पर वो पहला बिंदु है अनेकता में एकता। उपक्रम में हम देखते हैं कि विभिन्न विचारधारा वाले, विभिन्न दृष्टिकोण वाले, विभिन्न रहन सहन भाषा परिवेश के कर्मचारी कार्य करते हैं, जिससे उनके बीच में समन्वय जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके बीच में आपसी एक तालमेल को बनाता है। उसी क्रम में अगला जो बिंदु है तालमेल, कि उपक्रम के कार्यों में विविधता एवं विशिष्टीकरण पाई जाती है। उपक्रम में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उपविभाग होते हैं, अतः उन विभागों के बीच में विविधता होती है। तो यहाँ पर आवश्यक है कि उन विभागों के बीच में आपसी तालमेल को बनाया जाए, ताकि कार्य जो है समन्वय पूर्ण ढंग से हो सके। अगला बिंदु महत्व का जो है सुसंगठित कार्य। समन्वय के माध्यम से सभी कर्मचारी व विभागों के बीच में तालमेल होने से कार्य जो है सुसंगठित तरीके से संपन्न होता है। अगला बिंदु है संघर्ष में कमी। एक उपक्रम में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, विभिन्न स्तरों के बीच में काम करते हैं, अतः इस स्थिति में उनके बीच कभी आपस में आपसी मनमुटाव भी हो सकता है। अतः यहाँ पर समन्वय जो है उनके असंतोष को खत्म करता है। इस प्रकार से सभी पूर्ण संतुष्टि के साथ उपक्रम की सफलता के लिए कार्य करते हैं। एक बिंदु और यहाँ पर हम देखते हैं सिनर्जी लाभ। उपक्रम में समन्वय के प्रभाव से सिनर्जी लाभ का प्रभाव देखने मिलता है। इसमें समूह का योगदान प्रत्येक कर्मचारी के योगदान से अधिक होता है, तो सिनर्जी लाभ प्राप्त होता है।
यहाँ पर ये हम देखते हैं कि समन्वय क्या है, एक सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास के द्वारा सभी से कार्य कराने की कला है। तो यहाँ पर समन्वय के माध्यम से जब सारा समूह मिलकर कार्य करता है तो उस कार्य का मापदंड कितना है और पर्टिकुलर एक एक कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य का मापदंड कितना है। तो यहाँ पर यदि समूह का मापदंड एक एक कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य के मापदंड से अधिक है तो ये सिनर्जी लाभ कहलाता है, और यही सिनर्जी लाभ जो है संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि पैदा करता है। यहाँ पर प्रश्न आपके लिए है, प्रबंध में समन्वय का क्या महत्व है, इसे समझाइए।